नमस्कार एंड जय हिंद मेरे साथियों, आज मैं आप सभी को कमर्शियल व्हीकल में कौन कौन से पेपर लेके हमको चलना चाहिए इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले देखते हैं, जैसे ये एक ट्रैवलर है और ये कमर्शियल व्हीकल में के अंतर्गत आता है, तो सबसे पहले आप इसका देख सकते हैं, गाड़ी का नंबर देख सकते हैं कि प्लेट जो है वो पीली प्लेट में काले अक्षर से लिखा रहता है। 2019 के बाद जितनी भी गाड़ियां आ रही हैं वो उसमें HSRP नंबर प्लेट है और ये नंबर प्लेट भी पीली कलर पे ही लिखा जाएगा क्योंकि कमर्शियल है। वैसे ही अपन पिकअप में भी हम लोग देख सकते हैं, ये भी कमर्शियल व्हीकल है, इसमें भी नंबर जो है आपको नंबर प्लेट पे फोकस कीजिएगा, नंबर प्लेट जो है वो पीली रहेगी और उस पर काले अक्षर से लिखा जाता है। दोस्तों कई बार आप लोगों ने पूछा कि पीले प्लेट का क्या मतलब है, तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि अगर आप फोर व्हीलर कार है, बुलेरो है, स्कॉर्पियो है, कोई भी व्हीकल है, गाड़ी है और वो टैक्सी परमिट है, तो उसका जैसे ये देख सकते हैं अभी जा रही है गाड़ी, इसका पीले कलर से पुता हुआ है, तो अगर ये प्राइवेट पर्पज़ से यूज होती तो इसका जो है वाइट पे ब्लैक से लिखा होता, लेकिन ये कमर्शियल पर्पज़ से जा रही थी इसलिए इस पर पीले प्लेट। तो सबसे पहली बात तो आपको प्लेट पर फोकस करना है। प्लेट पर फोकस करने के बाद हम आपको बता दें कि ड्राइवर को अपना ड्राइविंग लाइसेंस तो लेके चलना ही रहता है, वो तो अनिवार्य है, और यदि आप उसकी हार्ड कॉपी नहीं रख सकते हैं अपने साथ तो आप डिजिटल फॉर्म में उसको रख सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर की गाड़ी है, सबसे पहले तो गाड़ी को किनारे लगाना सीखिए। आप किसी भी सड़क पर आप जाते हो तो गाड़ी को एकदम किनारे लगाना है। अगर मान के चलिए पार्किंग लाइन नहीं है, पार्किंग पट्टी नहीं है, तो आपको जैसे ये देख सकते हैं पार्किंग लाइन नहीं है, पार्किंग पट्टी नहीं खींची है, तो भी अपन को ये देखिए कितनी जगह छूटी हुई है। तो सबसे पहली गलती क्या कर रहे हो आप, हाँ आपको उसको एकदम किनारे करना है, ठीक है, सबसे पहली बात। दूसरी बात क्या है, गाड़ी में क्या क्या कागज होना चाहिए, आप ड्राइवर हो, इसके कौन ड्राइवर आप हो, गाड़ी में क्या क्या कागज होना चाहिए, फिटनेस होना चाहिए, PUC होना चाहिए, RC होना चाहिए, RC रजिस्ट्रेशन कार्ड है, PUC मतलब कि प्रदूषण है ना, मतलब कि पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट PUCC है, और गाड़ी का इंश्योरेंस, गाड़ी का बीमा होना चाहिए, बीमा कैसा होना चाहिए, फर्स्ट पार्टी थर्ड पार्टी दोनों होना चाहिए कि केवल थर्ड पार्टी होना चाहिए, फर्स्ट और थर्ड के हिसाब से आप क्या जानते हो बीमा के बारे में। चलिए ये बीमा का तो मैंने अपने मेरे वीडियो पे आप देख लीजिएगा, आप है ना, उस पर बीमा का मैंने अलग से बनाया है, आपका क्लियर हो जाएगा फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी के बीच में अंतर आपको समझ में आ जाएगा। दूसरी बात, आपको ये अगर कमर्शियल व्हीकल से चल रहे हैं तो सबसे पहली बात आपकी जो अतिरिक्त चीज़ें हैं, जैसे इन्होंने बताया आरसी कंपलसरी है, आरसी का आप डिजिटल फॉर्म भी रख सकते हैं, एम परिवहन में या डिजी लॉकर में आप मुहैया मोबाइल में फ़ोटो खींच के भी आप रखे रहो, ठीक है ना, डॉक्यूमेंट्स जरूरी नहीं है कि ओरिजिनल लेके आप चलते रहिए आप, ठीक है। गाड़ी तरफ दिखाइए, गाड़ी तरफ, एक गाड़ी पे आपने देखा कमर्शियल व्हीकल पे क्या क्या चीज़ें होना चाहिए। सबसे पहले तो आप गाड़ी पे जब बैठो ड्राइव करो और जो बगल में बैठा हुआ है तो उसको क्या करना चाहिए यार, सबसे पहले बैठते समय क्या करना है अपन को, सीट बेल्ट लगाना है, और सीट बेल्ट लगाने के बाद अब इस पे कैरी क्या क्या करना है अपन को, पेपर्स तो RC ड्राइविंग लाइसेंस के बाद आपका बीमा, और बीमा ये देखिए जरूर कि वो फर्स्ट पार्टी थर्ड पार्टी दोनों है कि नहीं। क्या होता है, थर्ड पार्टी बीमा अगर है आपके पास तो पुलिस आपका चालान नहीं करती है, बट दोनों पार्टी बीमा होना चाहिए, फर्स्ट पार्टी भी थर्ड पार्टी, क्योंकि आपकी गाड़ी का कोई नुकसान है, गाड़ी की चोरी हो गई, कुछ भी घटना हो गई, तो उसमें फिर बीमा कंपनी से आपको कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है ना। तो आपको फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी दोनों ध्यान देना है। उसके बाद होता है फिटनेस। तो दोस्तों मैं बता दूं आप सभी को कि किसी भी कमर्शियल व्हीकल में फिटनेस का जो है सिस्टम वो ये है कि अगर कंपनी द्वारा पूरा बॉडी बनी हुई है गाड़ी की तो 2 साल तक आपको फिटनेस की कोई ज़रूरत नहीं होती है, बट अगर चेचिस है और उस पर बॉडी लग रही है तो वो 2 साल का उस पर फिटनेस बन के आएगा, ठीक है, और उसके बाद वो 8 साल तक का, 2-2 साल का करके 8 साल तक का फिटनेस फिर से रिन्यू होता है,
और उसके बाद यदि ये गाड़ी चलानी है तो उसका ग्रीन टैक्स भी लगता है, ग्रीन टैक्स, और उसके बाद एक एक साल का फिटनेस इस तरीके से बनता है। ऑलमोस्ट अपनी दिल्ली वगैरह में तो 15 साल के बाद गाड़ी चला ही नहीं सकते, तो ये रही फिटनेस हो गया। परमिट की बात है, हम कहें अगर जो माल लोड है उसका बिल्टी बनती है आपको, जो जो उसमें आपने कमर्शियल चीज़ें, और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों मेरे, आप जान लीजिए कि किसी भी कमर्शियल व्हीकल में, माल गाड़ी में सवारी नहीं बैठा सकते हो। ये मालवाहक है, आप देख सकते हैं इसमें ट्रॉली खुली नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि पिकअप में ट्रॉली खुली रहती है और लोग बैठ जाते हैं, अक्सर देखने में आता है, कोई कहता है बरहों में जा रहे हैं, कोई शादी ब्याह में जाता है, तो वो सब, ये बहुत बड़ी गलती है। कहीं भी अगर आप इस तरीके से कोई गाड़ी में सवारी लोड किए हुए देखते हैं तो बिल्कुल सूचना दीजिए पुलिस को और उस पर कार्रवाई करवाइए, ताकि वो दोबारा ऐसी गलती ना करे। अक्सर देखने में आता है कि छोटे छोटे बच्चे हो गए, महिलाएं हो गए, और पुरुष, हर कोई जो है, हर वर्ग का व्यक्ति उस पर बैठता है, और ये अक्सर गरीब लोग ही करते हैं जिनके उतना ज़्यादा बस वगैरह करने के वो पैसे नहीं हो पाते, है ना, सही बात है ना। तो देखिए क्या है कि जान है तो जहान है, हम गरीब हो या अमीर हो, जान है तो जहान है। तो हम कहते हैं एक ऑटो कर लो, चार ऑटो कर लो आप, लेकिन पिकअप में जो कि कमर्शियल व्हीकल है उसके ऊपर कभी भी नहीं बैठाना चाहिए। हम लोग बैठाते, आप लोग भी नहीं बैठाते, आपको तो चलिए इसमें बना नहीं है, अगर बना भी होता तो बैठाना नहीं है, ठीक है ना, पक्का प्रॉमिस। तो फिटनेस हो गया, परमिट हो गया, और PUCC तो है ही, तो इसमें अदर से अगर हम कमर्शियल की बात करें तो केवल और केवल आपका जुड़ता है फिटनेस और परमिट, ये दो चीज़ें दी जाती हैं। अगर आप जो माल लोड है उसकी बिल्टी आपके पास भी होना चाहिए कि हाँ इस पर आपने, और सपोज डेट आपने इसमें टू व्हीलर भी लोड कर दी है तो उसका भी कागज होना चाहिए, ये भी नियम आपको बताता हूँ। तो दोस्तों आप लोग चलिए, ठीक है, ठीक सर।